हेलो डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब सो आई होप आपने इस चैप्टर का पार्ट वन ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है और सबके अच्छे स्कोर आए होंगे आज के सेशन में हम सॉल्व करेंगे 25 फाइव जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है अगर आपने अब तक हमारे चैप्टर वन से लेकर चैप्टर नंबर एट तक के एम नहीं देखे हैं तो जल्दी जल्दी प्ले चेक करो प्ले में आपको इस साल न्यू एमसीक्यूज मतलब हर साल हम एमसीक्यूज अपलोड करते हैं इस साल हमने एकदम न्यू एमसीक्यूज अपलोड किए हैं विद सोलूशन तो जिन बच्चों का सी एग्जाम एकदम नजदीक नजदीक आते जा रहा है पीसीबी वाले स्टूडेंट्स इनफैक्ट बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने की सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी जल्दी प्लेलिस्ट चेक करो और चैप्टर वाइज जो एमसीक्यूज में आपको प्रिपेयर करवा रही हूँ वो एमसीक्यूज जल्दी जल्दी से देखो और अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करो उसके अलावा आप अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो इसमें आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा इसी में आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा और अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं देखना है आपको सिर्फ मॉक टेस्ट सॉल्व करना है तो आप सिर्फ मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हो टेन बायोलॉजी ओनली बायोलॉजी के मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे टेन मॉक टेस्ट यानी कि हर एक मॉक टेस्ट में सौ क्वेश्चन के पंद्रह के चैप्टर्स के सो so, जल्दी 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 मॉक टेस्ट ज्वाइन करो और अपने परफॉर्मेंस को एट्टी से नाइन्टी फाइव तक लेकर जाओ क्योंकि मॉक टेस्ट सॉल्व करने से सीधे दस से पंद्रह परसेंट इंक्रीमेंट होता है चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ ये रहा अपना आज का पहला सवाल वीडियो पॉज करो ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड आंसर हार्ट बीट डिक्रीजेज इन द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसमें आपका हार्ट बीट डिक्रीज नहीं होता सारे कंडीशन में हार्ट बीट डिक्रीज होता है लेकिन कोई तो एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आपका हार्ट बीट डिक्रीज नहीं होता है इंक्रीज होता है एसिड कंडीशन बढ़ेगा तो हार्ट बीट डिक्रीज होता है हाइपोक्सिया होगा ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो हार्ट बीट डिक्रीज होगा सोडियम पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा तो भी हार्ट बीट डिक्रीज होता है लेकिन जब एपिनेफ्रिन हार्मोन बढ़ता है तो आपका हार्ट बीट इंक्रीज होता है बिकॉज दिस इज इज एन इमरजेंसी हार्मोन ऑप्शन नंबर डी द आंसर ये देखो इधर दिया है जब आपका एपिनेफ्रिन का हार्मोन बढ़ता है तो इट इंक्रीजेस द हार्ट बीट ड्यूरिंग एमरजेंसी करेक्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट नंबर वन डियम फॉर्म द आउटर वॉल ऑफ ह्यूमन हार्ट अपना जो पेरिकार्डियम का लेयर है उसका सीरस और फाइब्रस ऐसा दो पेरिकार्डियम होता है देखो इधर पे आपको डायग्राम दिखाती हूँ मैं ये आपका पेरिकार्डियल लेयर है दिस इज फाइब्रस पेरिकार्डियम जो आउटर लेयर है ये आपका सीरस पेरिकार्डियम है सीरस पेरिकार्डियम तो इसका ये जो पेराइटल लेयर है यह पेराइटल लेयर है और ये विसरल लेयर है ये जो विसरल लेयर है ये अपने हार्ट की फर्स्ट लेयर है इसी को हम एपिकार्डियम बोलते हैं और ये सीरस पेरिकार्डियम का लास्ट लेयर है मतलब इधर से देखेंगे तो लास्ट है और यहां से देखेंगे तो ये फर्स्ट है तो विसरल लेयर जो है यही आपके हार्ट की फर्स्ट लेयर है और हार्ट की जो फर्स्ट लेयर है ये स्क्वाइमस एपिथिलियम से बनती है और इन दोनों लेयर्स के बीच में जो फ्लूइड होता है इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड ठीक है तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम फॉर्म द आउटर वॉल ऑफ ह्यूमन हार्ट करेक्ट मतलब एपिकार्डियम एपिकार्डियम बनता है ये है दिस इज इज करेक्ट ऑफ ये रॉन्ग कार्डियक मसल से आपका मायोकार्डियम बनता है एपिकार्डियम नहीं सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट नंबर टू इज इन करेक्ट सो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट

लंग से भी कनेक्टेड होते हैं और हार्ट के आयोरटिक वेगस नर्व से भी कनेक्टेड होते हैं तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा आएगा द इनहिबिटरी इम्पल्स आर जनरेटेड बाई सेंटर ऑफ इंस्पिरेशन नो इनहिबिटरी रिफ्लेक्स कौन जनरेट करता है आपका न्यूमोटैक्सिक एपन्यूस्टिक सेंटर तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये वाला डिफ्लेटेड लंग्स डिफ्लेटेड लंग्स मतलब जब आपके लंग्स में से हवा निकल जाती है तो उसका स्ट्रेच रिसेप्टर से कॉन्टैक्ट टूट जाता है और फिर आपका इंस्पिरेटरी सेंटर एक्साइटेड होता है और न्यू रेस्पिरेटरी साइकिल स्टार्ट होता है ये देखो इधर दिया है वेन द लंग्स आर डिफ्लेटेड एक बार आपके लंग्स में से हवा निकल गई तो स्ट्रेच रिसेप्टर से उसका कॉन्टैक्ट टूट जाता है स्ट्रेस स्ट्रेच रिसेप्टर आर नॉट स्टिम्युलेटेड जिसके वजह से इंस्पिरेटरी सेंटर एक्साइट होता है और न्यू रेस्पिरेटरी साइकिल स्टार्ट होती है तो so ये आपके मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी साइकिल वाले पार्ट में से है ठीक है

182.5 किलो कैलोरीज़ डायरेक्ट आपकी स्टेट टेक्स्ट बुक में दिया गया है सेल्युलर रेस्पिरेशन डी वाला जो पार्ट है ना सेलुलर रेस्पिरेशन उसका पार्ट है ये ठीक है ऐसा एक क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये वैल्यू याद रखो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पस पिंपल आता है ना पिंपल अभी आंबा खाओगे गर्मी में फिर बॉडी में हीट बढ़ेगी फिर पस आएगा आपको पिंपल्स आएंगे तो ये पस में क्या क्या प्रेजेंट होता है आपका जो येलो येलो पस रहता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है आपके बॉडी के डेड न्यूट्रोफिल्स डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है एबनॉर्मल आरबीसी एबनॉर्मल आरबीसी नहीं प्रेजेंट रहता है मेगा करियोसाइड मतलब आपके प्लेटलेट्स ये भी नहीं प्रेजेंट होते हैं ओनली दीज आर प्रेजेंट मेगा करियोसाइड मतलब आपके बोन मैरो केल्स तो दिस इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट दिस इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट

ऐसे नोड अपने हार्ट का इम्पल्स स्टार्ट करता है इसको पेस मेकर बोलते हैं और इसका मैसेज कौन रिसीव करता है इधर पे ऐसे नोड है ये जो मैसेज देता है वो मैसेज कौन रिसीव करता है एवी नोड और फिर एवी नोड इस मैसेज को आगे डिलीवर करता है तो इसको हम बोलते हैं पेस सेटर क्योंकि ये स्पीड को कंट्रोल करता है सो तो एवी नोड कंट्रोल द स्पीड यानी कि इसको हम बोलते हैं सेटर ऑफ द हार्ट ये देखो लास्ट लाइन है ये मैंने बोला भी था ये आता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड कार्पियो सेल्स आर लेस इन नंबर इन ह्यूमन बींग सबसे कम सेल्स कौन से होते हैं न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रोफिल्सिनोफिल्स देखो ये सेवेंटी परसेंट रहता है ये कुछ वन टू टू परसेंट रहता है ये कुछ ट्वेंटी एट परसेंट रहता है ट्वेंटी फाइव या ट्वेंटी ऐसा कुछ तो ठीक है बेसोफिल्स कितना होता है Only to 1%, कम होता है। ये देखो, 25%, सिर्फ जीरोक्ट द करेक्ट मैच ऑफ डिजीज एंड इट सिम्टम अगेन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वाला पार्ट है अभी ये आप बताओगे करेक्ट वाला मैच बताना है एम्फी में क्या होता है एम्फी ब्रोंकाइटिस इटिस में तो इन्फ्लोमेशन ऑफ लैरिंग्स आना चाहिए ये रॉन्ग है ये भी रॉन्ग है क्योंकि दोनों को इंटरचेंज कर दिया है में में क्या क्या होता होता है है ऑफ ये भी नहीं आएगा ब्रोंकाइटिस येलो म्यूकस बनता है सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ये देखो इसमें ब्रेक डाउन ऑफ एलवियोला आना चाहिए तो वो नहीं है अक्यूट ब्रोंकाइटिस में क्या होता है इन्फ्लोमेशन एंड म्यूकस येलो कलर का म्यूकस फॉर्म होता है ठीक है नेक्स्ट ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉट एक्सेप्ट ब्लड प्रेशर किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है आपका ब्लड वेसल का कॉन्ट्रेक्शन कितना ब्लड हार्ट के पास रिटर्न आ रहा है लेंथ ऑफ द ब्लड वेसल इंक्रीज लेवल ऑफ ए एन एफ क्या करेगा ए एन एफ क्या करता है सोडियम को एक्सक्रीट करता है ये एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में पढ़ा है सोडियम को एक्सक्रीट करता है एंड ब्लड प्रेशर को लो करता है तो ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑल थिंग्स एक्सेप्ट दिस क्योंकि यह एक्चुअली में आपका ब्लड प्रेशर लो करता है एट्रियल एट्रियलिक फैक्टर नेक्स्ट डबल सर्कुलेशन किसमें देखने को मिलता है फिश में सिंगल सर्कुलेशन होता है ये तो अनडेवलप्ड एनिमल है इसमें भी नहीं होगा इसमें तो ओपन सर्कुलेशन होता है है ना डबल सर्कुलेशन किस में होता है बर्ड्स एंड मैमल्स में नेक्स्ट सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू हार्ट का साउंड हार्ट में जो साउंड प्रोड्यूस होता है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट पूछा है देखो जब आपके ट्राइकस्पिड एंड बाय क्लोज होते हैं तो लब साउंड प्रोड्यूस होता है और जब आप सेमील्यूनर वॉल्व क्लोज करते हो तो डब साउंड प्रोड्यूस होता है और जब ब्लड वेसल फ्लो होता है तो करोट साउंड प्रोड्यूस होता है देखो डब साउंड कब प्रोड्यूस होता है जब सेमिल्व क्लोज होता है करेक्ट लब साउंड कब प्रोड्यूस होता है जब आपका कस्पिड क्लोज होता है ये रॉन्ग है थबेशियन किधर प्रेजेंट है ये तो कोरोनरी साइनस का वॉल्व है कोरोनरी साइनस ये किधर पे प्रेजेंट था याद है ये देखो ये आपका राइट एट्रियम ये लेफ्ट एट्रियम ये राइट वेंट्रिकल ये लेफ्ट वेंट्रिकल इधर सुपीरियर वेना कावा इधर पे इनफीरियर वेना कावा इधर पे आपका coronary sinus रहता है, उसका थबेशियन this is coronary sinus and this is थबेशियन मैंने छत्रपति शिवाजी ऐसे याद रखने बोला था ठीक है सो दिस इज रॉन्ग थबेशियन वॉल्व का कोई साउंड नहीं प्रोड्यूस होता है करोट sound is right. से systolic pressure measure करते, दिस इज ऑल्सो राइट ओनली दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग नेक्स्ट ये देखो लव साउंड कब प्रोड्यूस होता है कस्पिड वॉल्व डब साउंड कब प्रोड्यूस होता है सेमी लुनार ठीक है? आपका आर्टरी अपना जो आर्टरी है इसका फ्लेक्सिबिलिटी अगर कम हो जाएगा तो उसको कौन सा बीमारी बोलते हैं देखो ब्रैडी कार्डिया टैकी कार्डिया मतलब क्या होता है पल्स प्रेशर कम और ज्यादा हो जाना अथेरोसिस में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है और आर्टेरियोस्लेरोसिस में क्या होता है आपके आर्टरीज विद एज कड़क हो जाते हैं जिसके वजह से इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है तो अगर आपके आर्टरीज कड़क हो गए तो उसको बोलते हैं आर्टेरियोस्लेरोसिस क्या बोलते हैं आर्टेरियोस्लेरोसिस पेरिकार्डियल फ्लूड किधर प्रेजेंट रहता है यह हमने अभी जस्ट स्टार्टिंग में देखा आपका जो हार्ट है या आपका विसरल सीरस पेरिकार्डियम है यहाँ पे आपका पराइटल लेयर है इसके बीच में ये जो फ्लूइड है दैट इज पेरिकार्डियल फ्लूइड जो विसरल और पराइटल के बीच में प्रेजेंट होता है बिटवीन पराइटल एंड विसरल लेयर सो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी ये देखो इधर पे नेक्स्ट अथेरोस्क्लेरोसिस मतलब क्या होता है अभी जस्ट मैंने बताया व्हाट इज अथेरोस्क्लेरोसिस डिपोजिशन ऑफ फैट डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन ऑफ मिनरल जब एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड वेसल्स में डिपोजिट हो जाता है तो उसको बोलते हैं अथेरोक्लेरो लाइक दिस यस चलो नेक्स्ट एलवियोलाय ऑफ लंग इज लाइन्ड बा लंग का जो एल्वियोलाय है ये एलवियोलाय कौन सेल से बना है इसका सेल मेमरियन कौन से टिश्यू से बना है इट इज मेडअप ऑफ स्क्वाइमस एपिथीलियम किससे बना है ये स्क्वाइमस एपिथीलियम ये देखो इसकी बात हो रही है इसकी दिस इज मेड अप ऑफ दिस एलव्यूलर मेमब्रेन इज मेडअप ऑफ स्क्वाइमस एपिथीलियम अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम इनक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में थ्रोट नेजल कैविटी नेजोफेरिंग सब आता है लेकिन लैरिंग किस में आता है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये थियोरी में दिया है ये लैरिंग्स को लेके कंफ्यूजन रहता है इसीलिए टेक्स्ट बुक की थ्योरी देखो टेक्स्ट बुक की थ्योरी के हिसाब से जाओ लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में लैरिंग्स आता है नेक्स्ट लिम्फ डज नॉट कंटेन लिम्फ मतलब क्या होता है ब्लड में से आरबीसी माइनस कर दो प्रोटीन्स माइनस कर दो तो क्या बचेगा आरबीसी में से सॉरी ब्लड में से आरबीसी माइनस कर दो प्रोटीन्स माइनस कर दो प्लेटलेट्स माइनस कर दो तो जो व्हाइट कलर का फ्लूइड बचेगा उसको हम बोलते हैं लिम्स उसको हम क्या बोलते हैं लिम्स ये देखो इट कंटेन एवरीथिंग एक्सेप्ट आरबीसी प्लेटलेट्स एंड प्रोटीन इट डज नॉट कंटेन आरबीसी एंड प्लेटलेट्स नेक्स्ट चूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू वेन्स तो वेन्स के बारे में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करने के लिए बोला है चलो बताओ जल्दी जल्दी बताओ क्या आएगा वेन हैव वाइड ल्यूमेन करेक्ट पल्मोनरी वेन्स कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये इनकरेक्ट है ना पल्मोनरी वेन्स विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाकी सब करेक्ट है ओनली दिस इज इनकरेक्ट सो ऑप्शन नंबर बी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये देखो पल्मोनरी वेन्स हमेशा क्या कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड नेक्स्ट क्वेश्चन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा जल्दी जल्दी यस yes, बताओ मैच द कॉलम वन विद देयर एक्सप्लेनेशन इन कॉलम टू पॉलीसाइथेमिया एरिथ्रोसाइटोपिनिया पिनिया मतलब क्या होता है लेस एरिथ्रो मतलब रेड ब्लड सेल तो अगर एरिथ्रोसाइट्स कम हो गया डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी बी का आंसर आएगा थ्री एक ही ऑप्शन है सीधा मिल गया पीनिया ल्यूको मतलब डब्ल्यूबीसी बी सी पीनिया मतलब लेस तो डिक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी बी सी डी का आंसर आएगा वन ये भी मैच हो गया चलो बस खत्म टाइम सेव करो यस yes, नेक्स्ट ये देखो इधर दिया है मैंने पहले ही बोला था पीनिया पीनिया आया मतलब डिक्रीज ये टेबल बहुत खाम की चीज है इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए इट्स वेरी बेनिफिशियल टर्म यूज टू डेजिग्नेट एन इंक्रीज इन दोटल नंबर ऑफ डब्ल्यू बी सी अगर डब्ल्यू बी सी में सडनली आपका इंक्रीमेंट हो गया तो उसको क्या बोलेंगे इफ सडनली डब्ल्यू बी सी इंक्रीजेस पीनिया मतलब लेस होता है इोसिनोफीलिया लुकोसाइटोसिस साइटोसिस मतलब क्या होता है लेस कैंसर कंडीशन में आपका इंक्रीज डब्ल्यू बी सी काउंट एंड ल्यूकोसाइटोसिस भी एक्चुअली करेक्ट आएगा ना टेम्प्ररी इंक्रीज टेम्पररी इंक्रीज होगा तो ल्यूकोसाइटोसिस इधर कैंसर क्यों नहीं आएगा क्योंकि ल्यूकेमिया वर्ड नहीं दिया है तो ये लेस नहीं ये एक्चुअली इंक्रीज होता है मैंने गलत बोला तो इट इज द राइट आंसर ठीक है चलो अगर ल्यूकेमिया दिया रहता तो ये राइट right आंसर आता नेक्स्ट पल्स प्रेशर कैसे मेजर करते हैं हम हाउ डू वी मेजर पल्स प्रेशर पल्स प्रेशर इज इक्वल्स टू सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर मतलब एटी इज इक्वल्स टू फोर्टी मिलीमीटर मरक्यूरी डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर देखो इधर दिया है डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर नेक्स्ट बताओ क्या आएगा द टाइम टेकन फॉर ज्वाइंट डायस्टोल ये मैंने पार्ट वन में बताया था इस चैप्टर का जो पार्ट वन था 0.1 सेकंड एट्रियल सिस्टोल 0.3 सेकंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.48 पॉइंट कार्डियक साइकिल तो बचा क्या 0.4 सेकंड यस जॉइंट डायस्टोल कितने सेकंड्स के लिए होता है 0.1 0.2 0.3 0.4 टोटल 0.4 सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लो चार्ट बताना है फ्लो ऑफ ब्लड इन क्लोस्ड ब्लड वास्क्यूलर सिस्टम इज ओके हार्ट से पहले ब्लड किधर जाता है आयोरटा के पास फिर आयोरटा से आर्टरी आर्ट्रीज से आर्टेर कभी भी ब्लड वेन्स के पास नहीं जाएगा हार्ट से कभी भी डायरेक्ट कैपिलरी के पास नहीं जाएगा ठीक है नेक्स्ट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडे सेशन एंड वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वॉट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन आपको हार्ट रेट पूछा है इफ द कार्डियक आउटपुट इज फाइव लीटर कार्डियक आउटपुट दिया है फाइव लीटर मतलब 5 ml, इसको पहले में कर दो क्योंकि बाकी रीडिंग है ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल्स ऑफ द एट द एंड ऑफ द डायस्टोलिज हंड्रेड एम एल मतलब आपका जो वेंट्रिकल है आपका ये जो वेंट्रिकल है इसमें जब रिलैक्स होता है ये वेंट्रिकल तो इसमें हंड्रेड एम एल ब्लड रहता है और जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसमें से पचास एम एल बाहर आता है और पचास एम एल अंदर बच जाता है मतलब बाहर कितना आया पचास एम एल इसको बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम तो कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या है स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट अपने पास स्ट्रोक वॉल्यूम है अपने पास कार्डियक आउटपुट है अपने को ये फाइंड आउट करना है सो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट फाइव थाउजेंड एम एल इज इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है पचास एम एल इन टू हार्ट रेट तो इसको इधर लेके जाके डिवाइड करो फाइव थाउजेंड अपॉन फिफ्टी इज इक्वल्स टू हार्ट रेट जीरो जीरो कट फाइव वनजा फाइव फाइव वनजा फाइव ये जीरो जीरो सो हार्ट रेट की वैल्यू क्या आएगी हंड्रेड एम एल सॉरी हंड्रेड बीट्स पर मिनट क्या आएगा अपना आंसर हंड्रेड बीट्स पर मिनट ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है ऐसा आ सकता है कि कोई पर्सन भाग भाग के आ रहा है तो उसका हार्ट रेट क्या होगा उसका एक स्ट्रोक वॉल्यूम 90 ml ब्लड पंप कर रहा है तो उसका हार्ट रेट क्या होगा मतलब समझो अपन लिख के देखते हैं कि कोई पर्सन भाग के आया ये आप कमेंट करके बताओगे इसका आंसर कि कोई पर्सन जो है वो भाग भाग के आया ठीक है रनिंग करके आया है उसका स्ट्रोक वॉल्यूम 90 ml है और उसका कार्डियक आउटपुट नॉर्मल है फाइव थाउजेंड एम मतलब फाइव लीटर ठीक है तो इसका हार्ट रेट क्या होगा इसकी धड़कन एक मिनट में कितनी बार धड़केगी ये इंसान भाग के आया ना तो हार्ट जल्दी जल्दी बीट कर रहा है तो एक मिनट में कितनी बार बीट करेगा इसका दिल एक मिनट में सौ बार बीट कर रहा है तो इसका कितनी बार बीट करेगा मैंने स्ट्रोक वॉल्यूम दिया है मैंने कार्डियक आउटपुट दिया है आपको सिर्फ हार्ट रेट फाइंड आउट करना है ये फॉर्मूला डालो और सॉल्व करो और इसका आंसर कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी सब लोग इसका आंसर कमेंट करो आज हमने सॉल्व किए हैं। I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ताकि आप हमारे चैनल के फ्री मटेरियल का पूरा, पूरा 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 फायदा उठा सको और लास्ट में वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लाते रहेंगे बस आपका प्यार और आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे और पढ़ाई चालू रहे क्योंकि बच्चों अभी नहीं तो कभी नहीं जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट करो आंसर क्या आएगा और ट्वेंटी सिक्स में से आपको कितने मार्क्स मिले जल्दी से कमेंट करके बताओ बाय बाय ऑल द बेस्ट